ब्रिटिश काल से विमुक्त जाति पर अपराधी का शिक्का है। इससे यह समाज आर्थिक और मानसिक रूप से त्रस्त है। इस स्थिति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्थापित राजनीतिक दलों का समर्थन ना करें। उसके लिए आने वाले चुनाव में स्थापित राजनीतिक दलों का साथ छोड़ दें और जीवित रहने के लिए अपनी विशिष्टता दिखाएं। तभी सभी दल आपसे हाथ मिलाएंगे। ऐसी अपील वंचित बहुजन अघाड़ी अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर ने की। मतदाता मालिक है, नरेंद्र मोदी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये 5 साल बाद हमारे पास वापस आएगा, इसीलिए मतदाता घबराए नहीं। अम्बेडकर ने ये भी कहा कि यदि आप राजनीति में जगह बनाना चाहते हैं तो एक संकेत दें कि मैं खुद को नहीं बेचूंगा। डॉक्टर पिंपरी वड़ार समाज के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास मैदान में आयोजित एक सभा में बोल रहे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल जाधव, अनिल कुरहाड़े आदि मौजूद थे। आज जो वड़ार समाज जो है कि जिसमें ब्रिटिशों ने 1857 के बंड के बाद राजे रजवाड़े जो थे वो ब्रिटिशों को शरण आ चुके, लेकिन जो पिंडारी करके जाने जाते थे उन्होंने ब्रिटिशों के सामने हार नहीं मानी, वो उनके साथ में लड़ते रहे और इसलिए इनको काबू में लाने के लिए ब्रिटिशों ने उस वक्त एक कानून बनाया जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के मुताबिक इनको क्रिमिनल बताया गया और इन पर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में वड़ार समाज भी उसमें शामिल है और उन पर भी कार्रवाई हुई थी। ये कम से कम 125 साल कैंप में रहे, मतलब उनका गांव कहीं और था और कहीं यहाँ ला के उनको बसा दिया था। शाम को उनको लौटना था, सुबह जाना था काम पर और आना था, तो इनका गांव नहीं है, मकान नहीं है, कहाँ से आए ये इनके पता नहीं है। इसलिए ना इनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलती है और ना इनकी शिक्षा होती है। इसलिए इनकी मांग ये है कि ये जो 60 साल का जो कानून अपने बनाया है कास्ट सर्टिफिकेट लिए, उसको रद्द किया जाए। और दूसरा कि भाई हमारा गांव ही नहीं था, ज़मीन नहीं है, जुमला भी नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप फ्री एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर शुरुआत करो। ऐसे लेके 2-4 मांगे उनकी है, उसके बारे में आज का ये व्यवस्था थी। जो हिंदू अपने आप को कह रहा है, आरएसएस बीजेपी वाले जो हिंदू के ठेकेदार करके बैठे हैं, उनसे ये कहूँ कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स वाले जो है ये भी हिंदू है। आप इनके लिए लड़ने के लिए नहीं हो, आप इनको सिर्फ गुलाम बनाने के लिए तैयार हो और गुलाम की ही व्यवस्था बना रहे हो। और इसलिए ये जो है वो अपनी अभी आज़ादी की लड़ाई और अपना एक वजूद बनाने का इन्होंने शुरुआत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो उम्मीदें हैं ये पूरी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।